दिल्ली में मंगलवार को मॉन्की पॉक्स का तीसरा मामला सामने आया था। एक और नाइजीरियाई व्यक्ति संक्रमित पाया गया। बताया गया कि उसने हाल ही में कोई विदेशी यात्रा भी नहीं की थी। ये मॉन्की पॉक्स का देश में आठवां और दिल्ली में तीसरा मामला बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक मरीज को सोमवार को दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं दिल्ली के मंकी पॉक्स के पहले मरीज को सोमवार रात अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। उधर केरल में पिछले महीने UAE से लौटा 30 वर्षीय एक व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया। इसके साथ ही केरल में इस वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 5 हो चुकी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि देश में मंकी पॉक्स की बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हर संभव निगरानी की जा रही है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।